देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। समीर वानखेड़े जी को लेकर जितने सारे आरोप लग रहे हैं, क्या इन आरोपों की सच्चाई वही है जो दिखाई जा रही है? आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि शाहरुख खान के दिल्ली जाने के बाद समीर वानखेड़े जी के ऊपर इतना दबाव कैसे आया। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि सलमान खान का एक ऐसा बिहेवियर निकल के आ रहा है जो बिहेवियर लोगों ने आज तक नहीं देखा। क्या सलमान खान ने विकी कौशल को साइड कर दिया सबके सामने? और तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बॉलीवुड में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, और उस एज में देखने को मिली है जिस एज में अक्सर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या है मामला, डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर 25 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है, वहीं पे इस पूरे मामले में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां पर हाल ही में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सैम डसूजा, जो इस पूरे मामले का गवाह है, उसने दावा करा कि समीर वानखेड़े नहीं, मैंने तो जो डीडीजी है ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे 9 लाख रुपए, मैंने तो उनको पैसे दिए हैं, और एक वीपी सिंह है, मैंने उनको तो 5 लाख रुपए दिए हैं। ये दावा सैम डिसूजा ने किया। अब कहा जा रहा है कि एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है इस पूरे मामले में। समीर वानखेड़े जी वही हैं जिनका नाम आपने तब सुना होगा पहली बार जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था। उस मामले में जब ड्रग्स एंगल निकला था, तो अब समीर वानखेड़े जी निकल के आए थे एनसीबी के जनरल डायरेक्टर के रूप में, और उसके बाद उन्होंने जांच शुरू करी थी। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, और अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी का नाम जब से निकल के आया, तब से ही कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। आपको बता दी जाए, आज तक की ये खबर है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, आज तक ने लिखा है शाहरुख खान दिल्ली गए, फिर वानखेड़े को फंसाने का दबाव डाला गया, ड्रग केस में गवाह का दावा। बता दिया जाए आपको, मुंबई में ड्रग्स केस में नई जानकारी सामने आ रही है। इस केस के गवाह सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सनसनीखेज खुलासा किया है और आरोप लगाया है। उसने बयान बदलने के लिए दबाव डाले जाने का आरोप लगाया, साथ ही में दावा किया कि शाहरुख खान के दिल्ली में जांच टीम के दफ्तर जाने के बाद उस पर समीर वानखेड़े को फंसाने का दबाव डाला गया। पूरा मामला क्या है आपको हम डिटेल में बता देते हैं। कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल ये ड्रग्स मामला है जो क्रूज पार्टी हुई थी, आपको याद है 2021 में, तब कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया था एनसीबी के द्वारा, और जिसके बाद उनको कुछ दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। अब कहा जा रहा है कि इस मामले के जो गवाह है सैम डिसूजा, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और आर्यन खान को लेकर उस पर बयान बदलने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। डिसूजा ने याचिका में एनसीबी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। याचिका में डिसूजा ने दावा किया कि शाहरुख खान दिल्ली में एनसीबी दफ्तर गए थे, जिसके बाद उन पर समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए दबाव डाला गया। हाल ही में उसने दबाव में आने से इनकार कर दिया था। बता दें कि क्रूज मामले में जांच अधिकारी आईओ आशीष रंजन और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आर्यन खान की रिहाई के बदले में शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगा था। इसके बाद कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में एनसीबी ने आर्यन को क्लीन चिट दे दी थी और वानखेड़े की जांच में कमियां पाई जाने का दबाव भी बनाया था। क्लीन चिट तो नहीं दी गई थी ऐसा दावा किया गया था, पर हाँ क्लीन चिट कुछ लोगों ने बोल दिया था, पर ऐसा बताया गया था कि उनके बेटे को बेल मिली है। अब कहा जा रहा है कि ड्रग केस में जो गवाह है सैम डिसूजा, उसने कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। बोला जा रहा है कि इस पूरे केस में सैम डिसूजा जो गवाह है, उसने एनसीबी ऑफिसर को सबसे पहले क्रूज पर ड्रग पार्टी की जानकारी दी थी। 1 अक्टूबर को क्रूज में एनसीबी के एक अफसर को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के बारे में बताया था, जिसके बाद एनसीबी ने कहा था कि कुछ इनपुट तो उनके पास भी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो तो बताओ। इसके बाद डिसूजा ने क्रूज की तस्वीर और तस्वीरों के साथ कुछ नंबर भेजे थे, जिसके बाद एनसीबी को उसकी बातों पर यकीन हुआ। उसके बाद ही छापेमारी चालू हुई थी। छापेमारी के बाद उठे पर्दों पे सवाल में आई थी टीम। सूत्रों ने यह भी बताया था कि छापेमारी में मदद करने के लिए सैम डिसूजा ने केपी गोसावी और प्रभाकर को एनसीबी के ऑफिसर से ये कहकर मिलवाया था कि ये दोनों मदद करेंगे। 2 अक्टूबर को गोसावी और प्रभाकर ने एनसीबी के अफसर से मुलाकात की और बताया कि इस रेड में मदद के लिए वो सीधे अहमदाबाद से आए हैं। हालांकि छापेमारी के बाद गोसावी, प्रभाकर और सैम को लेकर सवाल उठे और पूरे छापेमारी कार्रवाई सवालों में आ गई थी। अब यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा उठता है, पूरे मामले के गवाह हैं, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं और ये आरोप उन्होंने लगाए हैं शाहरुख खान के ऊपर।
मतलब इनका कहना है कि शाहरुख खान जब दिल्ली गए थे, ये बात सबको पता है कि शाहरुख खान जब एक अम्ब्रेला लेकर उनकी टीम उनको छुपा के कार में लेके जा रही थी और कहा जाता है कि प्राइवेट जेट से गए थे, ये खबर निकल के आई थी। अब कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की दिल्ली जाने वाली बात को लेकर इनका दावा है कि वो एनसीबी के दफ्तर गए थे और उसी के बाद से समीर वानखेड़े जी को फंसाने की जो साजिश है वो रची गई, ऐसा कहना है सैम डिसूजा का। अब याचिका डाली गई है सैम डिसूजा की तरफ से, इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी और जो इन्होंने बातें बोली हैं इन बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि ये मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं। पर वहीं पर बता दिया जाए आपको, अब इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आशीष रंजन है वो भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच चुके हैं और उन्होंने भी प्रोटेक्शन की मांग कर ली है। अब देखने वाला विषय कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि समीर वानखेड़े जी को तो प्रोटेक्शन मिल चुकी है, उनको 8 तारीख तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पर मुझे लगता है कि उससे पहले इस पूरे मामले का सच सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, अभी यहाँ पर सवाल बहुत उठते हैं कि आखिरकार कौन है वो शख्स जो इस पूरे मामले में सही काम नहीं कर रहा है, कौन है वो शख्स जो पीछे बैठ के पूरा मैप तैयार कर रहा है या फिर पीछे बैठ के पूरी साजिश रच रहा है। आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में जांच चल रही है अभी बहुत सवाल उठेंगे और बहुत सारी जानकारी बाहर आना बाकी है। कोर्ट का क्या फैसला आएगा, सीबीआई की रिपोर्ट का क्या फैसला आएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए, कल एक चौंकाने वाली खबर निकल के आई, कहा जा रहा है कि बॉलीवुड वाले कुछ लोग आईफा के लिए पहुंच चुके हैं दुबई, जिसमें से सलमान खान, विकी कौशल, नौरा, अभिषेक बच्चन, ऐसे करके कई लोग पहुंचे हैं आईफा के लिए दुबई। वहीं पर देखा गया कल जब विकी कौशल अपने फैन के साथ एक सेल्फी खिंचवा रहे थे, तब देखा उन्होंने सलमान खान आ रहे हैं सामने से, और एक वीडियो आपके सामने हम चला देते हैं, इसमें ध्यान से देखते रहिएगा। आप देखिए किस तरीके से सलमान खान बॉडीगार्ड से आ रहे हैं घिरे हुए, विकी कौशल देखते हैं तो सलमान खान से मिलने चले जाते हैं, पर सलमान खान उनसे कुछ बात तो कर रहे थे पर चलते चलते, और उसी वक्त कहा जा रहा है कि सलमान खान के बॉडीगार्ड ने विकी कौशल को हाथ मार के साइड करा और सलमान खान आगे निकल गए, बॉडीगार्ड भी आगे निकल गए, विकी कौशल खड़े रहे देखते रह गए, ये हुआ क्या। अब सवाल लोग यहां पर ये उठा रहे हैं कि विकी कौशल कोई आम इंसान तो है नहीं, अब विकी कौशल को लोग जानते हैं, कई फिल्मों में उनको देखा हुआ है आपने, तो विकी कौशल को तो बॉडीगार्ड भी जानता होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि बॉडीगार्ड जानता ही ना हो विकी कौशल कौन है। अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि क्या सलमान खान की बॉडीगार्ड इतने अकड़ू हैं, क्या सलमान खान अपने बॉडीगार्ड को बोल सकते थे कि आप रुक जाइए हम बात कर रहे हैं, पर नहीं बोला उन्होंने कुछ भी और वो भी आगे निकल गए और बॉडीगार्ड ने हाथ मार के विकी कौशल को साइड कर दिया। तो इसी कारण कहा जा रहा है कि जो आज कुछ फैंस हैं वो निराश दिख रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा बहुत रूड बिहेवियर दिखाया भाईजान ने, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया उनके बॉडीगार्ड ने, लोग अपनी अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं। पर वहीं पे कहा जाता है कि विकी कौशल इस समय शादीशुदा है कैटरीना कैफ के साथ, और एक टाइम था जब कैटरीना कैफ सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताई जाती थी। वहीं पे दावा ये भी होता है कि उस आईफा में अभिषेक बच्चन जो है वो भी पहुंचे थे, तो अभिषेक बच्चन पहुंचे और वहां पर सलमान खान भी पहुंचे हैं, तो देखने वाला विषय है कि क्या पुरानी यादें कुछ ताज़ा होंगी। और वहीं से एक बॉलीवुड से कल चौंकाने वाली खबर तब निकल के आई जब एक मशहूर कलाकार ने 60 की उम्र में दूसरी शादी रचा ली है। आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड के एक मशहूर कलाकार आशीष विद्यार्थी, इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड साउथ की, फिलहाल ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इनको आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा, और इन्होंने कहा जा रहा है कि कल कोलकाता के एक क्लब में 60 साल की उम्र में एक शादी रचा ली है, और शादी रचाने के बाद इनकी जो पत्नी अब बनी है उनका नाम है रूपाली, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है पेशे से और असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि आशीष विद्यार्थी जो है इनकी दूसरी शादी में इनका बेटा तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इनकी पहली शादी से इनको एक बेटा है। इनकी पहली शादी जिनसे हुई थी उनका नाम था राजूषी विद्यार्थी, जो एक एक्ट्रेस और सिंगर थी, और बताया जाता है कि इनका डिवोर्स होने के बाद भी ये एक दोस्त के तरीके रहते थे और अपने बेटे की परवरिश किया करते थे। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि जो एक्टर आशीष विद्यार्थी हैं इन्होंने दूसरी शादी कर ली है 60 की उम्र में। अब कहा जा रहा है कि लोग ये देखने के बाद खुश हो रहे हैं, कुछ लोग चौंक रहे हैं और कुछ लोग उनको बधाई दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।